यस बोला मैंने. यस बोला. हाय हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक. वी आर यू हियर. इसका इंटरव्यू है कल. इसके वीजा के लिए इसका इंटरव्यू है. तो ये मुंबई आई हूँ. नॉट टू एनीथिंग अबाउट मी आई एम हियर. वीजा के लिए इंटरव्यू है तो इसलिए ये मुंबई आई. अगर ये मुंबई आई है तो इससे मिलना तो बनता है ना. मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती. मेरे पास दो दिन है और मेरे को दो दिन इसके साथ एडजस्ट करना है. अच्छा, उसको मेरे साथ एडजस्ट करना है. हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है. भैया कॉपरेट करेंगे ना एक दूसरे के साथ. हेलो गाइज, तो प्रिया सोने जा रही है. हाँ, और इसको डिनर भी नहीं करना. तो मैं सोच रही हूँ अभी 9 बजे है कि मैं क्या करूँ अभी. तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ. काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई आप लोगों से कुछ भी. और किसी का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने मुझे पूछा था. सॉरी, हार्ट टू हार्ट टॉक कर रही थी. यस, हार्ट टू हार्ट टॉक कर रही हूँ मैं. तो किसी का मुझे मैसेज आया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं उनको ऑडिशन के बारे में और कुछ बताऊं ताकि वो आके यहाँ काम सर्च कर सकें या उनको काम मिल सके. तो देखो, 2 महीने से तो मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मैंने भी अभी कोई काम नहीं किया है. किसी शूट पे नहीं गई हूँ. यस, पूरा जुलाई में गई थी मैं 3 डेज के लिए, स्टार्टिंग में. वो भी जुलाई के बाद से काफ़ी तेज़ यहाँ में, मतलब मानसून काफ़ी गंदा होता है यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश होती है. तो जुलाई और अगस्त में शूट जो होते हैं वो थोड़े से रुक जाते हैं. तो जो कंटिन्यू सीरियल वगैरह चलते हैं वही उनकी ही थोड़ी बहुत कास्टिंग होती है, बाकी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ये लोग नहीं स्टार्ट करते हैं. तो इसलिए काम थोड़ा ये मैं जुलाई और अगस्त, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा सा काम स्लो रहता है मुंबई में. जो भी नया काम या नया प्रोजेक्ट ये लोग शुरू करते हैं वो आफ्टर गणपति करते हैं. तो गणपति आने वाला है, गणपति के बाद यहाँ सारे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे. तो उसके बाद आई होप कि काम अच्छे से शुरू होगा और मुझे भी काम मिलेगा और सबको काम मिलेगा. तो ऑडिशन का मैं यही बोलूँगी कि ऑडिशन बनाओ, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ ऑडिशन. देखो, ये ना कोई जॉब नहीं है कि एक बार मिल गया और जब तक आप रिज़ाइन नहीं करोगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं है. आपको एक प्रोजेक्ट मिला, वो ख़त्म हुआ, फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है. यहाँ कोई लेके नहीं आता आपके पास काम. आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो तब लोग आपको ऑफर देते हैं कि ये काम है सर आपके लिए या मैडम आपके लिए. बट जब तक आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक आपको काम खुद ढूंढना पड़ता है इंडस्ट्री में. मैं वही कर रही हूँ, मैं बहुत काम ढूंढ रही हूँ. कभी कभी तो मन करता है कि नहीं होगा मेरे से, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, सच्ची बहुत स्ट्रगल है. मुझे लगा था बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है, आओ ऑडिशन दो काम मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ वही हुआ. पर अभी ऐसा नहीं है. तो यहाँ आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, कंटिन्यू आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं और आपको जाना पड़ता है. अभी जैसे कोविड के बाद से ये, मतलब ये स्टार्ट ही हो गया है कि ऑनलाइन ऑडिशन सब लोग मंगा लेते हैं. ऑफलाइन ऑडिशन बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं. जब कोविड थोड़ा सा ख़त्म हुआ था लास्ट में, पिछले 2-3 महीने पहले लोगों ने ऑफलाइन ऑडिशन स्टार्ट किए थे लोगों ने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था. लोग इतने ज़्यादा ऑडिशन के लिए पहुँच रहे थे तो लोगों ने ऑफलाइन ऑडिशन कराना अभी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है. वो लोग कुछ भी होता है तो वो ऑनलाइन ही अपडेट करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे. तो अच्छा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे उन लोगों को फॉलो करें ताकि वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहे. और यस, सबसे बड़ी बात, फेक अपडेट से बचें. जो फेक ऑडिशन अपडेट आती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, बट वो समझ आ जाता है, क्योंकि मुझे तो अब 1 साल हो गया है तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ये फेक ऑडिशन अपडेट है, ये रियल नहीं है. तो उससे बच के रहें. बाकी ऑडिशन के लिए आप अगर फिट बैठते हैं, आप बोलते हैं यस आई एम अवेलेबल, तो वो लोग आपको स्क्रिप्ट सेंड करते हैं और उस पर आपको ऑडिशन बना के भेजना होता है. मेरे साथ तो यही होता है.
तो मैं ऑडिशन बना के भेज देती हूँ। अगर मुझे कोई भी कंफ्यूजन होती है कि कैसे मुझे ये ऑडिशन बनाना है या किस टाइप का इनको रिक्वायरमेंट है रोल का, तो मैं थोड़ा सा उनसे ब्रीफ ले लेती हूँ। बाकी एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपको अपना ही दिमाग लगाना होता है, ठीक है? तो वो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के ऑडिशन बनाना होता है, वो आप कर सकते हो। ऑडिशन के लिए और तो कुछ नहीं मैं बोल सकती, बाकी आप गूगल से स्क्रिप्ट डाउनलोड करके उस पे ऑडिशन बना सकते हो। जितने ऑडिशन बनाओगे आपको उतने अच्छे से आइडिया होगा कि और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है? रही कैमरा फेसिंग की बात, तो वो तो आफ्टर ऑडिशन जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, लॉक हो जाते हो किसी सीन के लिए, तो एक्टिंग के लिए, कैमरा फेसिंग के लिए तो बस एक ही प्लेटफॉर्म होता है और वो होता है स्टेज, जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे होते हो। तो वो तो बाद का पार्ट होता है, पहले ऑडिशन में सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना होगा मैं अपडेट देती रहूँगी आपको। बाकी यहाँ 2 महीने से बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है मुंबई में, मैं भी बहुत परेशान हूँ, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। पिछले 2 महीने से कभी घर जा रही हूँ, कभी मुंबई, कभी ऑडिशन देने, तो यस। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी गाइस, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन भी है। पर यस, कभी कभी मन करता है छोड़ देती हूँ, फिर से अपनी जॉब स्टार्ट कर लेती हूँ, बट कभी कभी फिर लगता है कि अब 1 साल हो गया है, यहाँ तक की जर्नी मैंने तय कर ली है, तो अब अगर मैं पीछे जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने इतने साल जॉब की, 5, 6, 7 साल जितने भी की, अभी तो 1 साल ही हुआ है, और अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो ये मैं अपने ड्रीम्स के साथ ज्यादती करूंगी, तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मन होता है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, बट ठीक है, फिर भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल तो है ही, वो तो हर फील्ड में। तो यस गाइस, इतना ही बोलना था मेरे को। बाकी प्रिया आई हुई है, मैं इसके साथ इंजॉय कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बट वो टेंशन में है क्योंकि कल उसका इंटरव्यू है, और लेट्स सी कि कल उसका इंटरव्यू कैसा होता है। आई होप, आई विश कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, वो सेलेक्ट हो जाए और वो यहाँ से जाए। सच में वो यहाँ से जाए, वो US जाने वाली है। और यस, वो किस लिए US जाने वाली है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नहीं, सॉरी, मैं ये नहीं बताऊंगी। जिस दिन वो जाएगी ना, पक्का उसके अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो US क्यों जा रही है। ये मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती, होता है ना एक नज़र लगने वाली बात, मैं नज़र वाली बात में बिलीव नहीं करती, बट स्टिल ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। कल उसका इंटरव्यू है, वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मैं आपको पक्का बताऊंगी, ठीक है? तो लव यू गाइस, टेक केयर।